नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेयरर्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई होंडा सिविक और हुंडई क्रेटा की एक विस्तृत तुलना। अगर आप सोच रहे हैं कि सिविक की तुलना हम किसी सेडान से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे मार्केट में आज 20 लाख के आसपास बजट वाले अधिकतर ग्राहक सेडान की तरफ देखते भी नहीं है। एक तरफ मुश्किल से महीने की 200 कोरोला, 100 ऑक्टेविया, एलेंट्रा और जेटा बिक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 10,000 क्रेटा बिक जाती हैं। अगर सिविक को मार्केट में अपनी इज्जत बचानी है तो उसे कोरोला या एलेंट्रा को हराना काफी नहीं है, उसे यह साबित करना होगा कि वह 20 लाख में मिलने वाली एसयूवी से बेहतर पर्याय है। आज मार्केट की 20 लाख की सबसे लोकप्रिय एसयूवी है हुंडई क्रेटा। तो क्या क्रेटा खरीदने के बजाय 2-4 लाख रुपए ज्यादा देकर सिविक खरीदना बेहतर पर्याय है? दोनों में से कौन सी गाड़ी का पिकअप कंफर्ट, अंदरूनी जगह, फीचर्स, सस्पेंशन कंफर्ट, टिकाऊपन और स्मूथनेस बेहतर है? आइए देखते हैं कार कंपेयरर्स के सिविक वर्सेस क्रेटा कंपैरिजन वीडियो में। हमारे आने वाले वीडियोज का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं कीमत की। सिविक के टॉप एंड डीजल मॉडल ZX की कीमत है 26,60,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली, जो टॉप एंड क्रेटा मैनुअल यानी कि SXO एग्जीक्यूटिव से 7 लाख रुपए महंगी है। सिविक के टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल की कीमत है 24,60,000 रुपए, जो क्रेटा पेट्रोल SX ऑटोमेटिक से 8 लाख रुपए महंगी है। लेकिन फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेहतर है, आइए देखते हैं। फीचर्स, सिविक इतनी महंगी हो के भी उसमें क्रेटा से 4-5 फीचर्स कम मिलते हैं, जो है कॉर्नरिंग लैंप्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर, पिछले यात्रियों को USB पॉइंट्स और लाजवाब वेंटिलेटेड सीट। सिविक में भी टॉप एंड क्रेटा से 7-8 फीचर ज़्यादा मिलते हैं, जो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्यूल कंप्यूटर, ड्यूल जोन AC, रेन लाइट सेंसर, इको मोड, रिमोट से इंजन ऑन करने की सुविधा ताकि AC गाड़ी को ठंडा कर सके और एक अनोखा ब्लाइंड स्पॉट कैमरा। इसके अलावा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली सिविक में गियर शिफ्ट पैडल भी मिलते हैं, लेकिन इन 7-8 फीचर्स के लिए 7 लाख रुपये ज़्यादा कीमत रखना क्या आपको उचित लगता है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। पेट्रोल मॉडल्स की बात की जाए तो सिविक क्रेटा से साफ साफ बेहतर है। सिविक में क्रेटा से 200cc बड़ा इंजन मौजूद है और वो भी होंडा का IVTEC। पावर क्रेटा से 18 HP ज़्यादा है और टॉर्क 30 Nm ज़्यादा है। नतीजा ये कि सिविक का पिकअप क्रेटा से साफ साफ बेहतर है और स्मूथनेस भी। लेकिन सिविक पेट्रोल केवल CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलती है, जो हाईवे पर क्रेटा के 6-speed टॉर्क कन्वर्टर जितना तेज नहीं है, क्योंकि सिविक की मिड रेंज यानी कि 3000 से 5000 RPM में मिलने वाला पिकअप थोड़ा कमजोर है और उसका CVT इस RPM रेंज में रबड़ बैंड इफेक्ट देता है। इसका मतलब ये कि ओवरटेकिंग करने के लिए जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो इंजन RPM तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन गाड़ी को रफ्तार पकड़ने में समय लगता है। डीजल मॉडल्स की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों में 1600cc का इंजन मौजूद है। क्रेटा में 8 HP ज़्यादा पावर मिलती है, वहीं सिविक में 40 Nm ज़्यादा टॉर्क मिलता है। कुल मिलाकर दोनों का पिकअप लगभग एक समान है, बस होंडा ने ARAI की टेस्टिंग के हिसाब से ज़्यादा माइलेज पाने के लिए सिविक का गियरिंग इतना ज़्यादा लंबा कर दिया है कि लो RPM पर उसका पिकअप बिना वजह कमज़ोर हो गया है। थोड़ा अकलमंद गियरिंग दिया होता तो 1600cc इंजन का पिकअप भी काफ़ी लगता है। समझ में नहीं आता कि होंडा सोच क्या रहा है, क्या वह सिविक को टैक्सी मार्केट में बेचना चाहता है? दोस्तों, बात करते हैं माइलेज की। सिविक डीजल का ARAI माइलेज देखकर हम वाकई में चौंक गए, क्योंकि वो है 26.8 किलोमीटर प्रति लीटर, जो क्रेटा 1.6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। हमारे विश्लेषण में भी सिविक डीजल ने क्रेटा मैनुअल से 4 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज दिया और क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक से 5 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी में होंडा ने सिर्फ माइलेज पर ध्यान देने के बजाय थोड़ा पिकअप पर भी ध्यान दिया होता तो वह ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आता। खैर, इसके बारे में दोस्तों हम बात आगे करेंगे। सिविक के पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल का माइलेज क्रेटा से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है और हमारे विश्लेषण में भी उसने क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज दिया। तो दोस्तों, अगर नई कार खरीदने से पहले आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे अब उसकी वैल्यूएशन जांच सकते हैं नीचे दी हुई cars24.com की लिंक पर। cars24 देता है आपको सबसे बढ़िया रीसेल वैल्यू की गारंटी, इंस्टेंट पेमेंट और फ्री RC ट्रांसफ़र, ये सब एक उनके शोरूम की सिंगल विजिट में। तो दोस्तों, cars24 का अवश्य लाभ उठाएं और लोकल कार डीलर्स को गाड़ी बेचने की चिक चिक से छुटकारा पाएं। दोस्तों, बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। हाईवे पर तेज रफ्तार पर इन दोनों गाड़ियों का संतुलन का फर्क साफ साफ पता चलता है।
एक तरफ है सिविक जो सड़क से बिल्कुल चिपक के चलती है, वहीं दूसरी ओर क्रेटा लहराती है और चालक को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देती। उसका हद से ज़्यादा हल्का स्टीयरिंग भी क्रेटा का एक बहुत बड़ा दोष है। मोड़ों पे भी सिविक लाजवाब नियंत्रण दर्शाती है और घुमावदार रास्तों पर चलाने के लिए एक बहुत मज़ेदार गाड़ी है। इसके विपरीत क्रेटा मोड़ों पर काफ़ी कम रफ्तार से अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि अपनी पकड़ खोने लगती है और घुमावदार रास्तों के लिए मार्केट की सबसे घटिया गाड़ियों में से एक है। एक पहलू जिसमें होंडा ने इस बार खास ध्यान दिया है वो है सिविक का ग्राउंड क्लियरेंस। पुराने सिविक के मुकाबले ये नया मॉडल ऊंचे स्पीड ब्रेकर को भी आसानी से लांग सकता है, लेकिन आखिरकार सिविक एक सेडान है और क्रेटा एक एसयूवी। इसके कारण क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस सिविक से 1.5 इंच ऊंचा है, लेकिन सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा होने से गाड़ी गड्ढों को बेहतर सोख नहीं पाती। जब आप खुरदरे रास्तों पर ये दोनों गाड़ियां चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि सिविक में बैठे यात्रियों को क्रेटा से थोड़े से कम झटके लगते हैं। ऐसा इसलिए कि सिविक का व्हीलबेस और ट्रैक यानी कि चारों पहियों के बीच का अंतर क्रेटा से लंबा है और सिविक में भी अब क्रेटा की तरह 17 इंच के पहिए मौजूद हैं। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। सिविक क्रेटा से 1.25 फुट लंबी है, वहीं क्रेटा सिविक से 8 इंच ऊंची है। नतीजा ये कि दोनों गाड़ियों में लगभग एक समान अंदरूनी जगह उपलब्ध है। सिविक का सीटिंग ज़्यादा कंफर्ट लगता है क्योंकि उसकी सीट्स वाकई में बहुत ही सपोर्टिव हैं। सिविक की पिछली सीट भी क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए उस पर 3 यात्री आराम से बैठ पाते हैं। मगर सिविक की पिछली सीट बहुत नीचे स्थित है, इसलिए उसमें घुसना और उसमें से उतरना काफ़ी मुश्किल है, खासकर बुजुर्ग यात्रियों के लिए। इंटीरियर्स के मामले में दोनों गाड़ियां बहुत उच्च गुणवत्ता की लगती हैं और कमाल का टिकाऊपन साबित होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बूट स्पेस के मामले में भी दोनों गाड़ियां दोस्तों बिल्कुल एक समान हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। होंडा और हुंडई दोनों ने पिछले 20 साल में उनकी गाड़ियों के टिकाऊपन और सर्विस को साबित किया है। टिकाऊपन के मामले में होंडा की गाड़ियां हुंडई से थोड़ी सी बेहतर होती थीं, लेकिन आज दोनों उत्पादक समान स्तर पर आ चुके हैं। लेकिन सर्विस के मामले में हुंडई होंडा के काफ़ी आगे निकल गया है। हुंडई की सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था होंडा से बेहतर रही है, क्योंकि हुंडई अपने डीलर्स पर कड़ी नज़र रखता है। स्पेयर पार्ट्स की कीमत में भी क्रेटा सिविक से काफ़ी सस्ती है, क्योंकि सिविक में इंपोर्टेड पुर्जे क्रेटा से ज़्यादा लगे हुए हैं। हुंडई के देश भर में 800 से ज़्यादा सर्विस सेंटर मौजूद हैं दोस्तों, वहीं होंडा के सिर्फ 250। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हुंडई के सर्विस मिलना होंडा से आसान रहता है। ऊपर से मार्केट में आज कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग सेडान से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए सेकंड हैंड मार्केट में होंडा सिविक क्रेटा से 5-10 लाख रुपए ज़्यादा डेप्रिसिएट होगी, यह बात याद रखना। दोस्तों बात करते हैं अंतिम निर्णय की। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 4 साल पहले जब हुंडई ने क्रेटा लॉन्च की थी तब उसकी कीमत 15 लाख के नीचे थी ऑन रोड, लेकिन जैसे जैसे वह मशहूर होती गई हुंडई ने उसकी कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। आज इस हाई हील्स पहनी हुई i20 की कीमत 19 लाख रुपए पहुंच गई है। इतने पैसे लेने की इस गाड़ी की बिल्कुल भी औकात नहीं है दोस्तों। फीचर्स की लंबी सी सूची दिखा के क्रेटा के सेल्समैन आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तब आप उनसे पूछना, क्या क्रेटा के पिछले पहियों में डिस्क ब्रेक लगे हैं? क्या उसका रियर सस्पेंशन इंडिपेंडेंट है? क्या 19 लाख की क्रेटा में 5 लाख की पोलो जैसा टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मौजूद है? फिर देखना कैसे उस रट्टू पोपट की बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों इस दौर में यह बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की गिनती करने से पहले गाड़ी की मूलभूत चीज़ों पर ध्यान देने की आदत डाल लो। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यहाँ पर सस्पेंशन, ब्रेक, चेजिज, इंजन और गियर वॉक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चाहे तो सिविक का बेस मॉडल खरीद लो जो क्रेटा से सिर्फ 2 लाख रुपये महंगा है, लेकिन गलती से भी क्रेटा में पैसे बर्बाद मत करना। हमारी राय में इस तुलना की विजेता होंडा सिविक है, यह तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों अगर आपको नई सिविक या होंडा क्रेटा की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।